और इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया था। आज राहुल गांधी की गुलामी जब नीतीश कुमार कर रहे हैं तो कांग्रेस के कहने से 23 जून क्यों 25 जून रखें कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दिन नीतीश कुमार कांग्रेस के सामने नतमस्तक दिखेंगे। शुरू से उनकी इच्छा कभी नहीं रही है कि दरभंगा में एम्स बने। नीतीश जी से अनुरोध रहेगा कि जब उन्होंने कांग्रेस के कहने पर 12 की बैठक कैंसिल करके 23 को किया है तो उसको उनको कायदे से 25 जून को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन इमरजेंसी लगी थी और इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया था। आज राहुल गांधी की गुलामी जब नीतीश कुमार कर रहे हैं तो कांग्रेस के कहने से 23 जून क्यों 25 जून रखें कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दिन नीतीश कुमार कांग्रेस के सामने नतमस्तक दिखेंगे। और लालू यादव जी तो एक अच्छा तस्वीर समाज में जाएगी कि जयप्रकाश के चेले कर क्या रहे। शुरू से उनकी इच्छा कभी नहीं रही है कि दरभंगा में एम्स बने। जब हम लोग थे हम लोग कहते थे बाहर जमीन दो, तो कहे कि नहीं DMCH में ही जमीन देंगे। उसके पश्चात इन्होंने महागठबंधन के सभी सांसदों ने लिख के दिया कि दरभंगा में किसी हालत में एम्स नहीं बनना चाहिए या एम्स सहरसा में बनना चाहिए। और ये महा मनोज झा हो चाहे दिनेश चंद्र यादव जी के पैड पर एक एक राजद के सांसदों ने यह लिख करके, मतलब जदयू अब राजद और जदयू महागठबंधन के सांसदों ने लिख के दिया। नीतीश कुमार जी चूंकि सीधे तो बोल नहीं सकते कि हम दरभंगा के साथ अन्याय करेंगे, तो जानबूझ के इन्होंने एक ऐसे 30 फीट गहरा जमीन जिस पर प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के माननीय विधान पार्षद जिन्होंने खुद उठाया कि यह 30 फीट गड्ढे में नहीं बन सकता है, यह संभव नहीं है। मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर एम्स नहीं बने। आपने खुद 3 साल जिद किया कि नहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही एम्स बनेगा। अब जब दिनेश चंद्र यादव जी ने सहरसा में लिख के दिया सभी सांसदों ने कि नहीं दरभंगा के बदले सहरसा बनना चाहिए, तो जानबूझकर आपने जगह बदल दिया। जगह बदला भी तो कोई अच्छी जगह देते, जानबूझकर नदी के भीतर दे दिया कि एक बहाना करने के लिए कि दिखाएं कि हम देखें। मेन उद्देश्य यह है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता से दुश्मनी हो गई है। उन्होंने ठान लिया है कि बिहार को समाप्त कर देना है। बिहार के जनता को एम्स का अगर फायदा मिलेगा तो वह लोग प्रधानमंत्री जी को दुआ देंगे, इसलिए एम्स किसी हालत में बिहार में नहीं बने। यह सब उसके साजिश का नतीजा है। आपने किस परिस्थिति में उस समय 81 एकड़ जमीन लिखा, किस परिस्थिति में आपने पैसे दे दिए कि जो मिट्टी का हो, और आज आपको जमीन देनी थी तो कोई अच्छी जमीन का सुझाव देते। आज जानबूझ के आप नदी के भीतर की जमीन का सुझाव दे रहे हैं जिससे कि वह हो नहीं। आप एक्वायर करके रखिए ना उस जमीन को, किसने मना किया। और उनको यह बताना चाहिए कि क्यों जदयू के सांसदों ने सहरसा के लिए पत्र लिखा, तो नीतीश कुमार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए कि वह चाहते कहाँ हैं। दरभंगा अगर वो चाहते हैं तो वो सहरसा के सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर सहरसा के बाकी सभी सांसदों के हिसाब से सहरसा बने तो दरभंगा में नदी के भीतर क्यों जमीन दे रहे हैं। उद्देश्य यही है कि पूरा का पूरा एम्स किसी कीमत पर बिहार में नहीं बनेगा।